जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सबको। और मैं वली चीमा अलहमद स्टेट से आपसे मुहातिब हूँ। और सबसे पहले आज हम जो उनसे डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम डीएचए गुजरांवाला को डिस्कस करेंगे। डीएचए गुजरांवाला की सबसे पहले हम आते हैं लोकेशन के ऊपर कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। जब आप मेन सिटी गुजरांवाला से निकलते हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद जीटी रोड पर, तो ये तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर जो उनसा जब आप शहर से बाहर आ जाते हैं तो वो इसकी लोकेशन बन जाती है। और जब आप इसके गेट पे जहाँ पर आप खड़े होते हैं वहाँ से तकरीबन जो गुजरात है वो आपको 30 मिनट्स की ड्राइव पे मिलता है। और इसके गेट से आपको सियालकोट जो उनसा है वो 40 to 50 मिनट्स की ड्राइव पर आपको मिल जाता है सियालकोट भी। और फिर इन फ्यूचर जो उनसा है गवर्नमेंट की तरफ से एक लिंक रोड अप्रूव हुई हुई है, वो सियालकोट मोटरवे पसूर का जो इंटरचेंज है वहाँ से लेके वो कनेक्ट कर रहे हैं नेक्सस को इस्लामाबाद मोटरवे के साथ पिंडी बटिया में। और वो इन फ्यूचर आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद वो बनता है, तो वो इंटरचेंज जोन है वो डीएचए को बहुत सूट कर रहा होगा क्योंकि उसकी लोकेशन जो उनसे गखड़ से आगे और वज़ीराबाद से पीछे है। तो ये कल को फिर जब डीएचए गुजरांवाला को आप देखेंगे, यहाँ से जो ड्राइव होगी सियालकोट की वो सिर्फ आपकी 20 से 25 मिनट की रह जाएगी। और ये कल को आसानी होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने लाहौर जाना होगा, उनको मेन सिटी से नहीं गुजरना पड़ेगा, वो यहाँ से ही डीएचए गेट से निकलेंगे, गखड़ क्रॉस करेंगे और साथ ही वो रिंग रोड से होकर सियालकोट मोटरवे के थ्रू जो है वो लोग चले जाएंगे। और किसी ने इस्लामाबाद जाना होगा तो उसके लिए भी आसानी होगी, वो इस तरह से कि वो वहाँ यहाँ से जाएंगे रिंग रोड पे चढ़ेंगे और रिंग रोड पे चढ़ने के बाद जो उनसा वो पिंडी बटियां पे उतरेंगे और वो ये सारे शहरों से जान छुड़ाते हुए गुजरात खारियां जेलम वगैरह से डायरेक्टली वो इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। तो बड़ी प्राइम लोकेशन है जी डीएचए गुजरांवाला की, और पाकिस्तान का वाहिद डीएचए जो उनसा जीटी रोड के ऊपर आ रहा है। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट इसका डिस्कस करते हैं इसकी प्रोग्रेस। अच्छा, ये बात जो उनसी है ये कहीं भी जा रही है और ये हकीकत भी है कि डीएचए गुजरांवाला की जो प्रोग्रेस है वो ज़रा स्लो है, उसमें डेवलपमेंट का काम जो उनसा है वो ज़रा स्लो है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न जो उनसी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसमें ये है कि असल में डीएचए गुजरांवाला की ना लैंड एक्वायरिंग जो उनसी अभी तक चल रही है, अभी तक डीएचए गुजरांवाला ज़मीनें खरीद रहा है। और जब तक लैंड एक्वायरिंग कंप्लीट नहीं होती तो वो डेवलपमेंट का काम भी उस हिसाब से थोड़ा स्लो हो जाता है। अभी बेसिकली ये तकरीबन 7,000 एकड़ तक जो उनसे खरीद चुके हुए हैं और फर्दर ऑन भी जो उनसे ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। और इसमें फिर इस वजह से जो उनसे इसका थोड़ी पेस जो उनसे इसकी स्लो बन जाती है डीएचए गुजरांवाला की, कि प्रोग्रेस का काम इतना तेज़ी से नहीं हो रहा। और इसके अलावा अब फेज़ वन की जो उनसी है वो बैलेटिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है, उसके अंदर आपको 5 मरला के 10 मरला के 1 कनाल के जो उनसे अब बैलेटेड प्लॉट्स जो उनसे आपको वो मिलते हैं। और इसके अलावा जो उनसे अभी 50% जो उनसे फेज़ टू इसका आना है उसकी अभी बैलेटिंग होनी रहती है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड है कि वो इस ईयर के एंड में जो उनसी है उसकी भी बैलेटिंग जो उनसी है हो जाएगी। तो ये रह गया रेजिडेंशियल का। और कमर्शियल जोन्स के अंदर कमर्शियल जोन 1 की और कमर्शियल जोन 2 की बैलेटिंग जो उनसी है हो चुकी हुई थी और ये तकरीबन 30 मई को, ये चंद दिन पहले 30 मई 2022 को जो उनसे पोजेशन जो उनसे हैं वो हैंडओवर किए गए हैं क्लाइंट्स के। और नेक्स्ट फर्दर ऑन जो उनसे उसका कमर्शियल जोन 3 जो उनसे वो रहता है, ठीक है। इसमें हम रेट्स की बात कर लेते हैं कि जी रेट्स क्या चल रहे हैं इस टाइम डीएचए गुजरांवाला के अंदर। डीएचए गुजरांवाला के अंदर जो इस टाइम आपको रेट्स चल रहे हैं ना वो आपको अगर आप जाते हैं फाइल की तरफ, फाइलें देखें जी, फाइलें दो किस्म की होती हैं, एक एलोकेशन फाइल होती है और एक एफिडेविट फाइल होती है, ठीक है। एलोकेशन फाइल जो उनसी है वो तकरीबन आपको 1-1.5 लाख रुपया एफिडेविट फाइल से कम प्राइस पर मिल जाती है। और जो प्लॉट है वो फिर
जो प्लॉट बन चुके हुए हैं, जो पोजेशन वाले हैं, बेल्टेड प्लॉट्स हैं, उनके रेट ज़रा डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जनाब के फाइल्स के क्या रेट चल रहे हैं इस टाइम। 5 मरले जो बैलेटिंग नहीं हुई हुई इस साल के एंड में हो जाएगी, तो वो लोग पूछते हैं कि जी हमें 5 मरले की फ़ाइल कितने की मिल जाएगी। 5 मरले की जनाब आपको फ़ाइल मिल जाएगी तकरीबन 40 लाख के राउंड अबाउट। आप फाइल जो उनसे मार्केट डेली का रेट चेंज हो रहा है, वो जब किसी ने ख़रीदनी है वो उस दिन का रेट होता है, लेकिन वो 40 लाख के राउंड अबाउट जो उनसे 5 मरले की रेजिडेंशियल फाइल का रेट चल रहा है। 10 मरले में जब आप आते हैं, 10 मरले फिर जो उनसे है वो आपको तकरीबन 61-62 के राउंड अबाउट जो उनसे है 10 मरले की फ़ाइल का रेट चल रहा होता है। और जो 1 कनाल की फ़ाइल है वो आपको 92 और 93 के राउंड अबाउट जो उनसे है वो आपको फ़ाइल मिल जाती है। इसके अलावा जो उनसे 2 कनाल के भी प्लॉट्स हैं, उस तरह लिमिटेड प्लॉट्स हैं, उन पर जो उनसे ऑन अमाउंट है वो ऑन अमाउंट ही उनकी काफ़ी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह अगर आप में से किसी ने भी 2 कनाल का ख़रीदना हुआ तो वो भी जौन से मुझसे कॉल करके उसका रेट ले सकता है। और जो इस टाइम प्लॉट्स के रेट चल रहे हैं, जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, मतलब जिनकी बैलेटिंग हो चुकी हुई है, डेवलपमेंट का काम भी स्टार्ट है उन सेक्टर्स के अंदर, वहाँ पर अगर आप रेट्स की बात करते हैं तो 5 मरले का जो प्लॉट है वो आपको 42 से वो स्टार्ट होता है और 50-55 तक भी जौन से लोगों की डिमांड है। 55 वाला प्लॉट वो होगा जो कॉर्नर होगा, मेन रोड पे होगा, मतलब बड़ी रोड पे होगा और कॉर्नर लग रहा होगा, वो फिर लोग जो उनसे उस हिसाब से अपने प्लॉट की डिमांड करते हैं। लेकिन वो 42-43 से प्लॉट स्टार्ट हो जाता है, उस अकॉर्डिंग टू लोकेशन जो उनसे 55 तक उसकी मार्केट जो उनसे वो जाती है। 10 मरले का आपका प्लॉट 64-65 से स्टार्ट होता है और वो अकॉर्डिंग टू लोकेशन वो 80 लाख तक तकरीबन चला जाता है। और इसी तरह कनाल में जब आप जाते हैं, कनाल जो उनसे है वो आपकी 1.5 करोड़ से स्टार्ट होती है और वो आपकी जाती है 1.50 तक, 1.5 करोड़ तक जो उनसे है आपकी कनाल का रेट जो उनसा वो जाता है। जी जब हम इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, यहाँ पर कल को इन्वेस्टमेंट का स्कोप क्या है, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं कल को आपको क्या मिलेगा, तो इसमें देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इसकी बाउंड्री शेयरिंग जोन सी है वो गुजरांवाला कैंट के साथ है, रावली कैंट के साथ है, तो उसके साथ की कंपैरिजन जोन सा है वो हमेशा बॉर्डर शेयरिंग के साथ आपका होता है। इस टाइम जनाब जब आप देखते हैं गुजरांवाला कैंट के आप रेट्स को देखते हैं, तो गुजरांवाला कैंट में इस टाइम जो कनाल है वो नॉर्मल कनाल जोन सी है वो 3-3.5 की आपको मिलती है, और जो उनसी अच्छी कनाल है वो आपको 4-4.5 के दरमियान आपको मिल जाती है। तो अभी भी देख लें मार्केट स्कोप पोटेंशियल इसके अंदर इतना है कि ये कम से कम भी अभी इसने 200% अगर ये DHA गुजरांवाला गेन करता है, और इंशाल्लाह करेगा क्योंकि मार्केट कंपैरेटिवली बराबर आनी है, कल को इन फ्यूचर डेवलपमेंट जब होती है स्टार्ट होती है तो कल को इसके बराबर आएगा, क्योंकि अभी कनाल जोन से वो आपको नॉर्मली लगा लेंगे 1 करोड़ की आपको मिल रही है, 1 करोड़ से लेके अभी जब इसने 3 करोड़ कवर करना, बीच में 2 करोड़ का गैप है तो बहुत फिजिबल रहता है। और गुजरांवाला कैंट के अंदर जो सा 10 मरले का तो प्लॉट नहीं है, लेकिन डीसी क्लूनी में 10 मरले का अगर हम कंपेयर करते हैं, इसका दूसरा कंपेरिजन अगर 10 मरले की कैटेगरी में करेंगे तो 10 मरले की इस टाइम जो वहाँ पर कनाल है, सॉरी 10 मरले के जो वहाँ पर प्लॉट है वो आपको मिलता है जनाब 1-20-30-40 इसके राउंड अबाउट आपको प्लॉट अकॉर्डिंग टू प्लॉट जोन है वो आपको रेट मिलता है, और यहाँ पर 10 मरले आपको मिल रहा है 65 में, मतलब यहाँ पर भी 120-130% जोन सा पोटेंशियल 10 मरले में भी है। कनाल के अंदर जाते हैं तो कनाल के अंदर आपको तकरीबन 200% का पोटेंशियल मिल रहा है, 10 मरले के अंदर आपको 120-130% का आपको पोटेंशियल अभी प्रेजेंटली आपको मिल रहा है। इन फ्यूचर जाहिर बात है DHA एक ब्रांड है, यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जो ये बाकी सोसाइटीज़ के अंदर आपको नहीं मिलती, तो इन फ्यूचर कंपैरेटिवली गुजरांवाला DHA की जो मार्केट होगी वो तमाम ब्रांड से, तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ से ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, क्योंकि दुनिया में भी पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर भी DHA आपको मिलता है, DHA के रेट्स जो हैं वो बाकी सोसाइटीज़ के कंपैरेटिवली बहुत हाई होते हैं।
तो इसने कल को तमाम गुजरांवाला की सोसाइटीज़ को बीट करना है। और अभी प्रेजेंटली अगर इसमें पोटेंशियल 200% का है तो इन फ्यूचर आप खुद हिसाब लगा लें कि इंशाल्लाह इसमें कितना गेन मिलेगा। और एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, आपको कोई डर नहीं है, ये कोई उस किस्म की छोटी मोटी सोसाइटी नहीं है कि जो आपसे पैसे पकड़ेंगे और ये रफू चक्कर हो जाएंगे। और एक डिलीवरी का नाम है DHA, एक एतमाद का नाम है DHA, एक ब्रांड का नाम है DHA, एक लिविंग स्टाइल का नाम है DHA। कल को अपना फ्यूचर सिक्योर करें, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें, कल को रिहाइश करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन जो है वो हम करेंगे एक ARY लगुना का, जिसके अंदर तमाम डिटेल्स आपको DHA ARY लगुना की दी जाएंगी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।